हाय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप? अच्छा लग रहा है? आपने मिस तो नहीं किया ना ये वीडियो जो मैंने अभी डाला था मेकअप लुक वाला? अगर मिस किया है तो मैं टैग कर दूंगी, इसे देखना मत भूलिएगा। मैंने बहुत ही गॉर्जियस मेकअप क्रिएट किया था जो आप एज इंडियन वेडिंग गेस्ट या अपनी किसी शादी के फंक्शन में क्रिएट कर सकती हैं, तो मैं उस वीडियो को जरूर टैग कर दूंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोडक्ट रिव्यू, और मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ वो है सिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। इसमें मेरे पास है 01 शेड पैलेट, और आज मैं आपके साथ इसी का रिव्यू शेयर करने वाली। इस तरह के पैलेट्स मुझे बहुत यूजफुल लगते हैं, बिकॉज ये एक पैलेट के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, कॉन्टूअर्स, ब्लश और हाइलाइटर जैसे शेड्स। तो मेरे पास कुछ और ऐसे पैलेट्स भी हैं पहले जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में, लेकिन आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली कि इस पैलेट की कलर्स, पिगमेंटेशन कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, वर्थ बाइंग है या नहीं, और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ या नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो, और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना रिव्यू वीडियो। इसकी हम आउटर पैकेजिंग देख लेते हैं। ये इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको मिलेगा पैलेट जो है। इस पर लिखा है सिवाना कलर्स, इसका नाम है अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और इसकी बैक साइड पे आपको मिल जाएगा शेड नंबर। यहाँ आप देख सकते हो 01 लिखा है, तो मेरे पास ये 01 है। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने ये purple.com से लिया है, लेकिन आपको ये Amazon, Flipkart, Snapdeal, Myntra सब जगह मिल जाएगा। तो जो भी अवेलेबल लिंक्स मेरे पास होंगे वो मैं नीचे छोड़ दूंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है ये पैलेट अंदर से। मैंने कार्डबोर्ड से इसकी पैकेजिंग बाहर निकाल दी है, काफी स्टर्डी पैकेजिंग है इसकी, इसका प्लास्टिक अच्छा है। और यहाँ से मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से दिखता है ये पैलेट। और ये कलर्स हैं 01 शेड नंबर के अंदर, बहुत ही प्यारे ब्लश के कलर्स मिले हैं आपको। ये पिंक, पीच, लाइट पिंक, एक आपको हाइलाइटर कलर मिला हुआ है, और यहाँ पर कुछ आपके कॉन्टूअर शेड्स हैं जिसमें कि लाइट ब्राउन, वार्म और डार्क ब्राउन, और थोड़ा सा शिमर वाला ब्राउन। तो ब्रॉन्जर की तरह भी काम करेंगे और ये कॉन्टूअर की तरह भी काम करेंगे। अब आपको मैं इनकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ अपनी फिंगर स्वाइप की हेल्प से। ये आप देख सकते हैं इनकी पिगमेंटेशन, काफी पिगमेंटेड हैं ये कलर्स, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, और इनकी क्वालिटी अच्छी है। सिवाना के मैंने पहले भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, और इनका प्राइस भी अफोर्डेबल और रीजनेबल है। कि ये इसका हाइलाइटर शेड है, ये देखिए आप कितनी शाइन है इसमें, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो। अभी मैंने फिंगर्स क्लीन कर लिए हैं, और अब मैं पिक कर रही हूँ ये कॉन्टूअर शेड्स। इस तरह से दिख रहे हैं, आप मेरी फिंगर पे देख सकते हो इन शेड्स को, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। बहुत ज्यादा डार्क नहीं है जिसको कि आप कॉन्टूअर में लगा ना पाओ। हर स्किन टोन के लिए आपको इसमें कॉन्टूअर और ब्लश शेड मिल रहा है। अगर आपका फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, या आपका डस्की और वीटिश है, तब भी आपको इसमें अपना कॉन्टूअर और ब्लश शेड मिल जाए। बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं, और मुझे इस तरह के ब्लश पैलेट्स इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज इसमें आपको ब्लश कलर्स भी मिल रहे हैं, कॉन्टूअर, ब्रॉन्जर भी और हाईलाइटर भी। तो एक ही पैलेट में आपके काफी सारे काम हो जाते हैं, और इन शेड्स को आप सिर्फ ब्रॉन्जर या कॉन्टूअर की तरह नहीं, बल्कि अपने आई मेकअप में ट्रांजिशन शेड की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन शेड के लिए आपको ब्राउन कलर्स चाहिए होते हैं। इवन आप अपनी मेन लिड पर अगर पिंक कलर से मेकअप करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है नेचुरल मेकअप्स और न्यूड मेकअप्स के लिए ब्राउन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, और ये हाईलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसको भी आप आई शेडो कलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन पैलेट होते हैं, इससे आपका काफी सारे पर्पस जो है वो हल हो जाते हैं। दैट इज व्हाई आई लाइक दीज पैलेट्स। तो चलिए अब मैं आपको ये कलर्स अपने फेस पर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना बेस मेकअप ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, क्रीम कॉन्टूअर स्टिक भी लगाई हुई है, और अब मैं टॉप अप करूंगी सिवाना कलर्स का ये पाउडर कॉन्टूअर शेड पिक करूंगी। ये दो शेड पिक कर रही हूँ मैं कॉन्टूअर ब्रश की हेल्प से, और इसे अपनी क्रीम कॉन्टूअर के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। काफी पिगमेंटेड हैं, बहुत ही बढ़िया है, और बिल्कुल पाउडरी या चौकी नहीं लगेंगे आपको, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। और नोज को भी कॉन्टूअर करूंगी मैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एकदम से जो आपकी नोज है वो स्लिम लगने लगती है, वेल कॉन्टूअर्ड लगने लगती है। और इसके कलर्स जो हैं वो इतने भी डार्क नहीं है कि आपका कॉन्टूअर अलग से स्टैंड आउट करे और वो अजीब सा लगे। मैं आपको दो ब्लश शेड्स पिक करके दिखा रही हूँ अपने ब्लश ब्रश पे, आप देख सकते हो इंस्टेंटली प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे आ गया है। काफी पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं आपके
फेस पर। तो ये मैंने अपना बेस मेकअप रेडी कर लिया है कॉन्टूअर की हेल्प से और ब्लश की हेल्प से। और आप हाइलाइटर को भी यूज कर सकते हैं अपने फेस पर हाइलाइटिंग के लिए। बहुत ही प्रिटी कलर्स हैं इसमें। तो अगर ये आपको पैलेट अच्छा लगा है तो मैं इसका लिंक नीचे जरूर छोड़ दूंगी। मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज आगे भी देखना चाहते हैं। बाय।